सबसे पहले तो मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जब आई स्टार्टेड डेटिंग हसन तो बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री के ही लोग थे जो आके देखना चाह रहे थे कि अच्छा ये कौन है, कहाँ है, लगता है बहुत अमीर होगा जो सुनीता ने इसके साथ किए. पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के लोग इस तरह के सोचते हैं. लेकिन खैर हाँ, ये प्रॉब्लम था क्योंकि हसन ने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी छोड़ी एंड ही सेड ही वांटेड टू कम इनटू एक्टिंग, व्हिच वाज अगेन नॉट माय डिसीजन, इट वाज हिज डिसीजन. एंड यू टोटली सपोर्टेड हिम? यस यस, आई टोटली सपोर्टेड हिम. आई वाज लाइक ओके इफ यू वांट टू. मुझे ही देख के शौक चढ़ा है ना ऑब्वियसली, तो मैंने कहा ठीक है हाँ, आई एम ग्लैड कि तुम जो भी करना चाहते हो. मगर आपका एक्टिंग करियर भी था और आपका मॉडलिंग करियर भी था. आई वाज बूमिंग एट दैट टाइम. माशाल्लाह. मगर हुआ ये कि जिस तरह मेरा था कि मुझे बस यू नो काम मिल गया और मिलता ही रहा, हसन के साथ ऐसा नहीं था. हसन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और शुरू में एक टाइम ऐसा भी आया कि आफ्टर अ ईयर आई टोल्ड हिम के लिसन 6 महीने और देख लो, अगर तुम्हें नहीं काम मिलता देन यू शुड डू समथिंग एल्स. कुछ तो करना है ना, खामखा घर में तो नहीं बैठ सकते. एंड ऑब्वियसली ही वाज वेरी सैड और ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर, उसका पैशन है एंड ही रियली लाइक्स एक्टिंग. फिर वही हुआ, आहिस्ता 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 मिलता रहा. और मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया हसन को. मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, दैट्स नॉट मी, आई कॉन्ट. जो भी है तुम्हें अपने ही बलबूते पर आगे चलना है. एंड ही डिड दैट. अस्सलाम वालेकुम. So I wanted to talk about an interview that my wife Sunita gave to Fushia magazine a couple of days ago. और वो इंटरव्यू कल ऑन एयर गया है, मैंने देखा भी है. एंड सिंस इट्स अ पब्लिक इंटरव्यू सो आई वांटेड टू पब्लिकली क्लेरिफाई अ फ्यू थिंग्स मायसेल्फ एज वेल. बेसिकली व्हाटएवर सुनीता हैज सेड इट्स हर ओन वर्जन ऑफ इवेंट्स एंड इट कोइंसाइड्स विद माय वर्जन ऑफ इवेंट्स. और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, और अगर करेक्ट भी हैं तो वो बातें जो हैं मियाँ बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए. एवरी थिंग शुडंट बी मेड पब्लिक. बाकी ओनली आई हैव द राइट टू टॉक अबाउट माई स्ट्रगल्स, नो वन एल्स हैज दैट राइट. और ये भी मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने उन चीज़ों के बारे में बात करनी है या नहीं करनी. बिकॉज वो इंटरव्यू देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर तरस खाया जा रहा है, विच आई डोंट लाइक. आई एम अ स्ट्रांग मैन एंड आई हैव बिन थ्रू माई शेयर, सो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी. एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू क्लेरिफाई दीज थिंग्स. दैट्स इट, थैंक यू.